तो दोस्तों आज हम जानने वाले हैं उत्तराखंड के नेशनल पार्क के बारे में, उत्तराखंड के नेशनल पार्क या उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, तो कौन सा नेशनल पार्क यानी कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है ये तो हम जैसे तैसे याद कर ही लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमको कहाँ आती है, इनके स्थापना वर्ष याद करने में। ठीक, कि किस नेशनल पार्क की स्थापना कब कब हुई है। तो आज हम जानेंगे एक ट्रिक के माध्यम से, जिसके बाद आप ना ही राष्ट्रीय उद्यान भूलेंगे और ना ही उनके स्थापना वर्ष को भूलेंगे। ठीक, तो ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले हम ट्रिक में यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो राष्ट्रीय उद्यान की जो हमारे पास ट्रिक है वो ये है कि गिरना, कांगो, फूलो मैं, बस ये एक छोटी सी लाइन आपको याद करनी है, गिरना, कांगो, फूलो मैं। ठीक, और इस लाइन को आपको ऐसे ही याद करना है, ये मैंने क्रम से लिखे हुए हैं। ठीक, कि कौन सा सबसे बड़ा है, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, और सबसे छोटा कौन सा। ठीक, तो ऐसे आपको याद करना है, और ट्रिक हमारी है गिरना, कांगो, फूलो मैं। ठीक, तो देखते हैं इन शब्दों से, इन वर्ड्स से कौन कौन से नेशनल पार्क निकल के आते हैं। तो सबसे पहले हम शब्द लेते हैं, ये जो हमने लिखा हुआ है गी। ठीक, तो गी से हमारा क्या बन जाएगा, तो गौ से हमारा बन जाएगा दोस्तों यहाँ पे गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद हम लेते हैं र, और र से हमारा बन जाएगा राजा जी राष्ट्रीय उद्यान या राजा जी नेशनल पार्क। उसके बाद है दोस्तों ना, तो ना से हम कह देंगे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद अगला है शब्द क, तो क से हम कह देंगे कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान या कार्बेट नेशनल पार्क। उसके बाद है दोस्तों ग, तो ग से हमारा हो जाएगा दोस्तों गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद हमारा है लास्ट फूलों, तो फूलों से हो जाएगा दोस्तों फूलों की घाटी, फूलों की घाटी। ठीक, तो ये हो गए आपके उत्तराखंड के सारे नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो गिरना, कांगो, फूलों में, गी से आपका गंगोत्री नेशनल पार्क, र से राजा जी नेशनल पार्क, ना से नंदा देवी नेशनल पार्क, का से कार्बेट नेशनल पार्क, ग से गोविंद राष्ट्रीय पार्क, फूलों की घाटी से हो गया फूलों की घाटी नेशनल पार्क या फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान या कह लीजिए नेशनल पार्क। अब ये तो हमको याद हो जाएगा, हम ट्रिक भी याद कर लेंगे, लेकिन स्थापना वर्ष कैसे याद करें, तो स्थापना वर्ष कैसे याद करें उसके लिए दोस्तों आपको एक मोबाइल नंबर याद करना पड़ेगा। ठीक, तो 10 नंबर का होता है मोबाइल नंबर, तो कैसे आपको याद करना है वो मोबाइल नंबर। ठीक है, तो क्या है वो नंबर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो सबसे पहले आपको लिखना है 89 83 82, फिर आपको लिखना है सी। ठीक, तो सी क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि भाई आप VIP हो तो इसका नंबर भी, आपका नंबर भी कैसा होगा, VIP होगा थोड़ा, तो आपके नंबर में क्या है, बीच में सी है, फिर है उसके बाद 80, फिर 82। ठीक, तो मोबाइल नंबर जो मैंने लिखा है या जो मैंने ट्रिक लिखी है स्थापना वर्षों की, वो है 89 83 82 C 80 82। बीच में मैंने क्या लिखा हुआ है, सी भी लिखा हुआ है। सी इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि भाई आप VIP हो तो नंबर भी कैसा होना चाहिए, आपका VIP नंबर होना चाहिए। ठीक, तो इसलिए क्या लिखा हुआ, मैंने सी लिखा हुआ है बीच में। ठीक, और नंबर मैंने कितने लिखे हैं, 10 होते हैं, तो 10 लिखे हैं, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, सी इसलिए लिखा है क्योंकि आप क्या हैं, VIP हैं भाई। ठीक, अब देखो स्थापना वर्ष आपको याद कैसे रखना है, जो सी मैंने लिखा है उस सी का मतलब आप समझ लीजिए पहले। ठीक, तो सी का मतलब यहाँ पे है दोस्तों, सी से आएगा आपका कार्बेट नेशनल पार्क, कार्बेट नेशनल पार्क।
तो सी कार्बेट नेशनल पार्क का मैंने कोई नंबर क्यों नहीं लिखा है, इसलिए नहीं लिखा है दोस्तों क्योंकि क्या है, कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड का ही नहीं पूरे भारत का क्या है, सबसे पुराना नेशनल पार्क है, सबसे पहले ही इसी की स्थापना हुई है पूरे भारत में, किसकी, कार्बेट नेशनल पार्क की। तो इसका स्थापना वर्ष हर किसी को याद रहता है या याद होगा ही, तो यहाँ पे आपको याद रखना है 36, ठीक है 36, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई है, 1936 में हुई है। तो इसलिए मैंने इसकी ट्रिक नहीं लिखी है क्योंकि क्या है, सबसे पुराना है पूरे भारत का और उत्तराखंड में भी पुराना है, भारत का पुराना है तो उत्तराखंड का भी पुराना ही होगा, ठीक। इसलिए सी की जगह आपको याद रखना है क्या, 36। बाकी जो ट्रिक है उसको आप दो दो में बांट लीजिए, दो दो नंबरों में, तो दो दो नंबरों में आप बांट लेंगे तो सबसे पहले पहला वाले दो नंबर आपको यहाँ लिख देने हैं 89, ठीक। दूसरे वाले दो नंबर जो मैंने लिखे हैं 83 वो आपको यहाँ लिख देना है, उसके बाद 82 आपको यहाँ लिख देना है, सी मैंने लिखा हुआ है तो सी की जगह मैंने क्या कहा है 36 आपको लिखना है, ठीक। उसके बाद अगला नंबर कौन सा है, 80 है, और फिर कौन सा है 82 है, ठीक। तो दोस्तों ये जो स्थापना वर्ष है वो तभी आप सही से कर पाएंगे या तभी आप क्रमबल लगा पाएंगे जब आपको ये वाली ट्रिक याद हो, गिरना कांगो फूलों में, ठीक। पहले आपको ये ट्रिक याद होनी चाहिए, उसके बाद आपको ये मोबाइल नंबर याद होना चाहिए, तब आप क्या करेंगे सही व्यवस्थित ढंग से इसको लगा पाएंगे। अगर आपको दोनों में से एक भी चीज़ नहीं याद है या नहीं पता है तो पूरा आपका जो ये है ट्रिक गड़बड़ा जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। तो आप नंबर तो मैंने लिख लिया सारे, अब क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है आपको, सबके आगे आगे क्या लिख देना है, 19 लिख देना है। तो 19 में यहाँ लिख दे रहा हूँ 19 और 19, बस हो गया स्थापना वर्ष इसका। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1989, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान 1980 और फूलों की घाटी नेशनल पार्क 1982, ठीक। तो 89, 83, 82, सी 80, 82, बस सी आपको यहाँ पे रखना है बीच में, तभी क्या हुआ ट्रिक याद भी रहेगी, ऐसे कि कोई अल्फ़ाबेट भी है बीच में, अगर आप ऐसे ही नंबर लिख दोगे सारा तो वो थोड़ा याद करने में भी क्या होगी, दिक्कत होगी, और अगर याद नहीं आए तो पता चल जाएगा भाई सी था, सी के बाद 80 था, उसके बाद 82 था, ठीक, ऐसे आपको याद हो जाएगा, ठीक। तो ये होंगे क्या उत्तराखंड के नेशनल पार्क और उनके स्थापना वर्ष, ठीक। अब हम बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से जनपद में है या कौन कौन से जनपद में इनका विस्तार है या फैलाव है, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, सबको पता होगा कहाँ है ये, उत्तरकाशी में है, कहाँ है, उत्तरकाशी में, कौन सा, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में है। उसके बाद बात करते हैं राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो 3 जनपदों में फैला हुआ है, ठीक। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कितने जनपदों में, 3 जनपदों में इसका क्या है विस्तार है या 3 जनपदों में इसका फैलाव है। तो ये 3 जनपद कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है देहरादून, फिर आप लिख देना पौड़ी, और फिर आप कह देना हरिद्वार, ठीक। तो 3 जनपदों में फैला हुआ है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार। अगर आपसे पूछे मुख्यालय कहाँ है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का, तो देहरादून जो है वो है इसका मुख्यालय, ठीक। तो छोटे छोटे क्वेश्चन भी कभी पूछ लेता है तो आपको पता होने चाहिए। बात करेंगे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, तो कहाँ होगा, चमोली में होगा। उसके बाद जो है आपका कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी क्या है, ये 2 जनपदों में इसका विस्तार है, 2 जनपदों में फैला हुआ है। तो ये 2 जनपद कौन कौन से हैं, तो 2 जनपद हैं आपके, एक तो है आपका पौड़ी और दूसरा है आपका कौन सा, नैनीताल, पौड़ी और नैनीताल 2 जनपदों में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। गोविंद की बात करें, ये भी कहाँ है, ये भी कहाँ है, उत्तरकाशी में है। उसके बाद फूलों की घाटी, तो ये कहाँ होगा, ये है आपका दोस्तों चमोली में, ठीक। तो ये हो गए दोस्तों उत्तराखंड के नेशनल पार्क, कौन सा कहाँ है, कब इनकी स्थापना हुई और कौन कौन से हैं, ठीक। तो ट्रिक आपको बस 2 ही याद रखनी है, उसके बाद आपको सारा कुछ पता चल जाना है, ठीक। अब हम बात करेंगे कि भाई सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे पुराना कौन सा है, ठीक। तो सबसे पहले मैंने कौन सा लिखा, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले लिखा है, तो क्या होगा सबसे बड़ा होगा। तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो है वो क्या है, राज्य का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, वो सॉरी राज्य, हाँ सॉरी, राज्य का सबसे बड़ा क्या है नेशनल पार्क, कौन सा, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो राज्य का सबसे बड़ा नेशनल पार्क गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, और गंगोत्री जो है
वो राज्य का सबसे बड़ा क्या भी है, ग्लेशियर भी है, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर जो है वो राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो राज्य का सबसे बड़ा नेशनल पार्क गंगोत्री हो गया। ये लास्ट में लिखा हुआ है मैंने कौन सा, फूलों की घाटी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राज्य का सबसे छोटा नेशनल पार्क, कौन सा, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, ठीक हो गया। अब मुझे भाई पुराना भी बता दो, तो पुराना तो सबको पता होगा, बच्चे बच्चे को पता होगा, कौन सा पहले सबसे पहले बना है, कार्बेट बना है भाई, सबसे पुराना वही होगा, तो सबसे पुराना कौन सा होगा, यही होगा कार्बेट, राज्य का सबसे पुराना क्या नेशनल पार्क, कौन सा, कार्बेट नेशनल पार्क। तो सबसे बड़ा गंगोत्री, सबसे छोटा फूलों की घाटी और सबसे पुराना कार्बेट नेशनल पार्क। तो ये हो गए दोस्तों आपके उत्तराखंड के नेशनल पार्क, कौन कौन से हैं, कब इनकी स्थापना हुई है, कहां कहां पर हैं, और कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, और कौन सा पुराना है, खत्म, ठीक। तो दोस्तों बस आपको क्या करना है, दो ट्रिकें आपको याद होनी चाहिए गिरना कांगो फूलों में, और एक होना चाहिए आपको मोबाइल नंबर, जो कि आपका VIP मोबाइल नंबर है 89 83 82 C 80 82 C आपको याद रखना है, ठीक। सी के आगे आपने बता पता चला 80 लिख दिया, और यहाँ पे भी आपने फिर क्या लिख दिया, 80 लिख दिया, तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। तो सी भी आपको याद रखना है, सी का मतलब है कार्बेट नेशनल पार्क, सबसे पुराना है, 36 आपको याद रखना है, 1936 में इसकी क्या हुई है, स्थापना हुई है, ठीक। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान हमने देख ली, तो बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, बेल आइकन प्रेस नहीं करा है तो बेल आइकन भी प्रेस करना है, जिससे कि आने वाली वीडियो का आपको सबसे पहले पता चल सके, ठीक। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो रेड कलर का जो नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको जरूर प्रेस करिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक।